हे गाइस, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। और बरसात का मौसम आ चुका है। अक्सर इन दिनों न्यूज़ में देखने सुनने को मिलता रहता है बिजली के गिरने के बारे में, जो कि कई बार जानलेवा भी हो जाता है। इससे बचने के लिए घरों में या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइटनिंग को सीधे वायर के जरिए ग्राउंड में सप्लाई कर देती है और इस तरह से वो बिल्डिंग्स लाइटनिंग से बच जाता है। वेल, ये तो हुई ग्राउंड की बात, पर उन प्लेन्स का क्या होता है जो कि ऑलमोस्ट क्लाउड के ही हाइट में फ्लाई कर रही होती है। यहाँ पर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्लेन को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होता। वेल, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर लाइटनिंग होती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में पहुंचते जाते हैं, टेम्परेचर डाउन होने लगता है और बादलों में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो फ्रीज होके आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाते हैं। अब बादलों के मूवमेंट के कारण ये छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में टकराते रहते हैं और ये टकराव इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप करता है, जो कि नेगेटिव चार्ज होती है, और ये चार्ज भारी मात्रा में बिल्डअप होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ग्राउंड की, जहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। वेल, इसी वजह से जो बादलों में नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इंट्रैक्ट करती है उन एरियाज पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इस प्रोसेस में बादलों के पास जो ढेर सारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो ट्रांसफर हो जाती है उन बिल्डिंग्स पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइटनिंग या बिजली का गिरना। ये लाइटनिंग ज़्यादातर उन बिल्डिंग्स में गिरती है जो क्लाउड के ज़्यादा नज़दीक होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बादलों में बन रहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। ऐसे में जब बात आता है प्लेन्स की, जो कि ऑलमोस्ट क्लाउड के ही हाइट में फ्लाई कर रहा होता है, क्या इन प्लेन्स में भी लाइटनिंग इफेक्ट पड़ सकता है? क्या लाइटनिंग इफेक्ट के कारण एक प्लेन क्रैश हो सकती है? वेल, जवाब है नहीं, क्योंकि एरोप्लेन एक एल्युमिनियम एलॉय से बना होता है जो कि हाईली कंडक्टिव मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे में जब लाइटनिंग प्लेन पर स्ट्राइक करती है तो ये लाइटनिंग पूरे मेटल बॉडी में फैल जाती है और दूसरी तरफ से होके निकल जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्लेन एक माध्यम बन जाता है जो कि लाइटनिंग को एक डायरेक्शन दे देता है, और प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों को इसका आभास भी नहीं होता, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल कभी प्लेन के अंदर आ ही नहीं सकता। और ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक साइंस का लॉजिक है और इसे प्रैक्टिकली प्रूव भी किया जा चुका है। वेल, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था फ्राइडे केज, जो कि एक होलो कंडक्टर होता है ठीक एरोप्लेन की तरह, और इसमें हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बावजूद भी इसके अंदर बैठा इंसान सुरक्षित रह जाता है। सेम यही थ्योरी प्लेन पर भी अप्लाई होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्लेन से होते हुए गुजर जाती है लेकिन प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं, और इस तरह से प्लेन लाइटनिंग इफेक्ट से बचा रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।